हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मम्मी चैनल ज़बीना का जहां। साइकिल निमो पीछे बहुत आवाज़ कर रही है तो उसका आवाज़ आ रहा होगा। और अभी मैं सो के उठी हूँ, आधा घंटा हो गया, 10 बजे से पहले उठी थी, मतलब 9 समथिंग और था, फिर 10:05 और था। तो आज ब्लॉग बनने वाला है मेरे बारे में और मैं आज दिखाऊंगी अपना ऑफिस जितना भी दिखा पाऊंगी, क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन और मुझे नहा वहाँ के जाना है ऑफिस। और 12 बजे अजान होता है, उससे पहले मेरे को जाना, मैं टाइम देख रही थी, टाइम हो गया, मेरे को रेडी होना पड़ेगा जल्दी जल्दी। वो लोग शायद झगड़ा कर ली बाहर, चलिए दिखाते हैं। क्या हो गया मेरे रिजल्ट में? मैं कुछ बुरा नहीं बोली, वो तो कि मैथ में ज्ञान दो बुरी नहीं और बुरा बोली होगा। क्यों जाएगा? तो यही उनकी तो यही एक्सपेक्ट करती है कि तो मैं तो सायका फिर से अपना काम करना शुरू कर चुकी है और जैसे कि हमेशा की तरह वो अपना ही काम करती है और किसी और का नहीं। और ये रही मैं, होला मतलब हाय। साइंस का रिज़ल्ट जो ये जल्दी जल्दी रख रही है, आई है अभी स्कूल से रिज़ल्ट लेकर के, वहाँ उसका बैग भी पड़ा हुआ है। पता है अभी कितने लोग तो खुद की गार्जियन खुद ही बन के थे, मैम दे दी लोगों को खुद की गार्जियन खुद, मतलब मैम ये मैं हूँ और ये मेरी मम्मी, मतलब गार्जियन लेके नहीं आती पर मैम दे दी लोगों को, खुद की गार्जियन तुम ही हो ना। अच्छा, तो तुम लोग अभी 9 में हो ना, तो चलता है ये सब, 10 में रखो ना पैर, उसके बाद देगी नहीं किसी और को ना। बिस्किट लेके गई थी वो भी नहीं खाया, पानी लेके गई थी वो भी नहीं पिया, सिर्फ बैठी रह गई। और ये सारी आवाज़ें ये निकाल रही है, मतलब कर रही है। नीमो के बैग से निकला खाया वो चिप्स का पैकेट जो वो फेंकना भूल गई है, और साइका बोल रही है उसके बैग से और क्या एक्सपेक्टेशंस रख ही सकते हम। मैं जा रही हूँ कपड़ा चूज करने के लिए कि व्हाट शुड आई वेयर टुडे, क्या पहनना चाहिए मुझे आज, क्योंकि कल हम देख रहे हैं, मैंने चश्मा फेंक के दे दिए, मेरे को गिर के टूट गया तो पागल लड़की। मेरा शेल जो बिल्कुल भी सहता हुआ नहीं है और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या पहनना चाहिए आज, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मैं ढूंढ के ही निकालती हूँ, क्योंकि मेरा सेल बहुत ख़राब है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को क्या पहनना है। नीमो वहाँ पे लेट करके यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रही है, बंद करो आवाज़, वो देखिए साइका को फ्रिज साफ़ कर रही है, वो साफ़ क्या कर रही है, पोछ रही है डेली बेसिस पे जो पोछ जाता है ना साइका, नहीं वो साफ कर रही है। और मम्मी नहीं दिख रही है आप लोगों को, मम्मी गई है सब्जी लाने के लिए और शायद मम्मी बाहर से ही लाई आज भी नाश्ता, पूड़ी वगैरह है ना साइका, उसको नहीं पता इस बारे में, मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि 11 बजने वाला है और मम्मी नहीं है यहाँ पे और कुछ काम भी नहीं हुआ है, मतलब साइकिल जो कर रही है बस वही हो रहा है। और नीमो तो वहाँ पे लेट करके चिप्स खा रही है, रुके दिखाते हैं आप लोगों को, घर बिखरा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, बट उसको और कोई काम नहीं है, वो चिप्स खा रही है और यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख रही है। मैं भी मोटर चला कर आई हूँ, पानी आ जाएगा तो मैं आपको नहा करके एटलीस्ट फाइनली मिलती हूँ, क्योंकि मेरे को भी लेट हो रहा है और मेरे को जाना है, 11 बजने ही वाला है, बस 2-3 मिनट बाकी है। मम्मी आ जाएंगे तो नाश्ता करके हम सीधा ऑफिस बताएंगे आप लोग को, और एंड तक जुड़े रहे क्योंकि आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ काम करती हूँ और वो ऑफिस कैसा है। ये सारी जो आवाज़ें आ रही है वो साइकिल की तरफ से आ रही है, कहाँ पर है, कितना दूर है, क्या है मेरा ऑफिस, ये सब मैं दिखाऊंगी अब, तो एंड तक बने रहे क्योंकि ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआ और सपोर्ट की ज़रूरत है हम लोगों को, तो प्लीज़ दुआएं देते रहें, सपोर्ट करते रहें। और आज है जुमा, जुमा मुबारक, और ये तो वीडियो कल जाएगा, लेकिन हम गए थे बाज़ार तो बाज़ार से सब सामान ले आए हैं। आसानियाँ भी मुँह धो रही है, वो नहा ली है, मुँह धो रही है। नींबू गई थी आज अपना रिजल्ट लाने, उसका रिजल्ट आ गया, नंबर ठीक ही है, मतलब ठीक ही है, 75% ठीक है। तो चलिए उसके बाद साइका यहाँ सब काम कर रही है, साइका सुबह से उठी भी है, जुमा के दिन का सफाई हो रहा है उसका, इधर उधर हर तरफ वो अपना सफाई में लगी भी है। तो हम नाश्ता आज नहीं बनाएंगे, पूड़ी और सब्जी और लेके आए हैं जलेबी, तो वो खा लेगी सानिया अभी। और चलिए बस दिखाते हैं, आज तो बहुत काम है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, देखिए तकिया का गिलाफी सब चेंज कर रही है, जुमा का दिन है ना, सब तकिया गिलाफी यहाँ उतारी है और उसको चेंज कर रही है, नया चढ़ा रही है। ये सुबह से उठ के लगी हुई, हम लोग सो गए थे तो उठ के लगी थी, किचन का उधर का सफाई की है, और देखिए अब तकिया गिलाफ चढ़ा रही है। चलो नाश्ता कर लो फिर काम करना, यहाँ दस्तरखान बिछा दिया है, अब जा रहे हैं नाश्ता लाने, पूरी आसानियाँ अपना पता नहीं कुछ कुछ करते ही जा रही है, जल्दी बोल रहे करने, आ गया पूरी रेडीमेड नाश्ता खाइए। देखिए पूरी निकल गया, सब्जी निकल गया, नींबू आ गई, सैका वहाँ गई मुँह धोने, मुँह नहीं धोई थी,
आसानियाँ कर रही। कैसे आसानियाँ पूरी? ज्यादा अच्छा है, सब्जी दिया अच्छा। इसमें जलेबी है, देखिए। हाँ इसमें जलेबी है, देखिए। चलिए खा के मिलते हैं। देखिए नाश्ता कर ली, और नाश्ता करके बाल झाड़ ली है, बाहर से झाड़ के आ गई। चल बाल जल्दी फटाफट झाड़, खड़ी मत हो से। तो फोटो की झाड़ेगा, देखिए बोल रही है। वहाँ सब बाजार अभी रखा हुआ है, अभी सब निकालेंगे। इधर मोबाइल को इधर घुमा तो काला पड़ जाएगा, उधर घुमा तो उजला पड़ जाएगा, पता नहीं क्या। देखिए साफ हो गया। इसको ना अभी बिस्तर ठीक करना है, तो उठने बोल रही है। नहीं दिए, बैठ के इधर का। अभी बाजार लेके आए, हम जा रहे हैं। अभी बताइए, अभी बाजार लेके आए, थोड़ा सा खाया है, बैठे हैं। एकदम उठो उठो, बिस्तर ठीक करना है। ये वाला चादर दिखा दे रहे हैं, ये वाला चादर लेके आए थे जो मम्मी से ना रुका गया, रात में भिज गया था। हाँ कल रात में भिज गया, मेरे पास रखने का जगह नहीं था तो हम बिछा दिया। पिछले ब्लॉग में देखा हूँ आप लोगों ने लेके आए थे ना, तो कल ही रात में बिछा लिया था, दिखाया नहीं था आप लोग को। देखिए उतना छोटा पड़ गया है, तो तकिया रख देती है साइका वहाँ पे। अम्मी को ये पसंद है। हाँ। मेरे को कल बोल रही है मोजा उतार ना, मोजा उतार, दोपहर में ही हम आए तो फील ले, फील। चादर का क्या फील? चादर थोड़ी है पागल, कम्बल है। देख बताइए कॉटन के चादर में है, और इसमें फर्क नहीं होता, ये एक वेलवेटपन है, इसमें कितना अच्छा दिखता है। देखो हाथ जैसे कर रही है ना, उसका स्वेटर रखा हुआ है, अभी पहन के जाएगी स्वेटर। हाँ, तो ठंड कितना ज्यादा है। अच्छा चलिए उठ रहे साइका, उठ रहे, 5 मिनट रुक जाओ, ये जाएगी तो बस हम लोग फटाफट काम पे। हम सो गए, यहाँ तक क्या सब तक गिलाफ ही चेंज कर लिए। साइका सो गई, ठीक है, आँख खोल के सोती है। ठीक है, ओके सो, अल्लाह हाफिज। सानिया चली गई है, चलिए अब हम लोग अपना काम पे लगते हैं। अब इसके आगे का आप वीडियो जो देखेंगे सानिया का टूर का रहेगा ऑफिस का। हेलो एवरीवन, और हम जा रहे हैं ऑफिस, गली क्रॉस कर रहे हैं अभी। हेलो एवरीवन, और ये देखिए क्या बोलते हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, 12 बजे आई थी, 4 बज गए, और मैंने अभी वीडियो बनाना शुरू किया क्योंकि कुछ भी नहीं बना पाई, क्योंकि बहुत सारा काम था, बहुत सारा। और यहाँ पे कोई भी नहीं है पूरे ऑफिस में, परवेज भैया भी नहीं है, परवेज भैया थे अभी गए हैं वो खाना खाने के लिए, मुझे भी जाना है बंद करके, तो मैं दिखाती हूँ तब तक आपको अपना ऑफिस। ये मेरा डेस्क है जहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, फैली हुई हैं डेस्क में। ये मेरा ही हेडफोन है जो मैं हमेशा लेके आती हूँ, और हाँ मेरा बुक जो मैं हमेशा ले, गिरजामत भाई जिसको लेके मेरा, जिसको लाए बिना मेरा दिन नहीं कटता, ये बुक यहाँ पड़ा रहता है। ये मेरा वाटर बॉटल, प्रिंटर यहाँ मेरा जो अभी बंद पड़ा हुआ है, मतलब उसका एक ये वाला वायर है, थोड़ा सा भी हिल जाता है तो बंद हो जाता है। और मैं दिखाती हूँ आपको बाकी सारी चीज़ें। ये देखिए वहाँ है एंट्रेंस, चलते हैं एंट्रेंस की तरह। यही है मेन रोड जहाँ से मैं आई थी उस वक्त भी, यह पूरा मेन रोड। उसके बाद आता है इधर जेरोक्स मशीन जो अभी चालू है, और उधर है स्विच बोर्ड्स वगैरह। जेरोक्स मशीन के बाद यहाँ पे हमारा लैमिनेशन मशीन, और इधर सीधा एंटर करते हैं आपको दिखेगा ये, वहाँ देखिए सीसीटीवी लगा हुआ है। ये हमारा फ्रंट काउंटर है, फ्रंट काउंटर क्या, यही हमारा काउंटर है जहाँ पे मोस्टली सब लोग बैठते हैं, पहला डेस्क ये है। उसके बाद यहाँ पे आएगा एक और दरवाज़ा, उसके बाद आप ढुकेगा यहाँ पे बैठते हैं परवेज भैया, ये परवेज भैया का डेस्क है, उनका चेयर है। उसके बाद है ऐसा, और वो जो ये है ना गेट, वो भी खुलता है पूरा। ये जो है ये सारी चीज़ें, गिफ्ट की चीज़ें भी हम लोग रखते हैं, उधर भी गिफ्ट की चीज़ें रखते हैं। मैं वहाँ पे बैठ के थी अभी, और वहाँ पे भी एक डेस्क है, यानी इन टोटल 4 डेस्क है। ये एल पोर्शन में डेस्क है, और बस इतना सा ही है मेरा ऑफिस। ये है एंट्रेंस, और इधर से आप कह लीजिए यह है एग्ज़िट। और ये वाला जो है, तो ये जो है ये वॉशरूम है, दिखाना तो नहीं चाहिए बट ये देखिए, हाय। इधर हमारे वॉशरूम में बेसिन है, और नॉर्मल ये वाला गेट भी बंद हो सकता है। मैं यहाँ पे बैठती हूँ मोस्टली, यहाँ पे हमारे फाइल्स रखाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, और इधर पे भी बहुत सारी चीज़ें। उधर एक प्रिंटर है, इधर एक प्रिंटर है। यही छोटा एल के शेप का हमारा ऑफिस है जिसमें मैं काम करती हूँ, साइबर कैफ़े, जिसमें बहुत भीड़ रहता है, और अभी भी बहुत भीड़ था। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ 4 बजे, जब मुझे खाना खाने जाना चाहिए, और अब मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मार्बल लगा हुआ है ना, ये इतना ठंडा रहता है कि मैं तो मोस्टली सॉक्स पहनती हूँ, लेकिन भैया लोग सॉक्स नहीं पहनते ना, तो उन लोग अपने लिए स्लीपर्स रखते हैं। मेरा अभी जूती भी उधर पड़ा हुआ होगा। हम लोग ये चेयर रखते हैं कस्टमर बैठने के लिए, ये मेरे स्लीपर्स इधर उतार देते हैं हम लोग,
और ये भैया लोग पहनते हैं शॉप के अंदर ही, बाहर नहीं जाते, ये उसके लिए। वहाँ पे लिखा हुआ है शूज़ नॉट अलाउड, बहुत सारे ऐसे पोस्टर वोस्टर चिपका के रखे हम लोगों ने। यहाँ से देखिए कैसा लगता है, ये मैं उधर बैठ के हूँ जहाँ से गेट खुलता है, ये रहा मेरा ही डेस्क। मेरा अभी ऐसे 2-3 फाइल और बाकी है, ये मेरा कंप्यूटर है। उधर यहाँ से मैं देख पाती हूँ कि फ्रंट में कौन बैठा है, क्या कुछ पूछना वूछना रहता है। तो शाहिद भैया मोस्टली उधर बैठते हैं, परवेज भैया इधर बैठते हैं क्योंकि ये उनका डेस्क है, उनकी पीसी प्रिंटर सारी चीज़ें। और ये हमारा एक एक्स्ट्रा पीसी है जो जिससे मोस्टली बहुत सारे काम होते हैं, उससे बैंक का काम होता है तो उस पर कोई भी काम कर लेता है। हमारे पास उधर भी एक प्रिंटर है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, 4 डेस्क है टोटल। अभी ऐसे ही 4 बज चुके हैं और मुझे खाना खाने जाना है, और मुझे बंद करके जाना पड़ेगा क्योंकि शाहिद भैया है नहीं आज। आज फ्राइडे का दिन था, शाहिद भैया गए हुए अपनी वाइफ को उनके घर से लाने के लिए, और मैं ही हूँ। और परवेज भैया तो अभी थोड़ी देर पहले गए 3:30 बजे खाना खाने के लिए, और मुझे भी खाना खाने जाना है तो मेरे को शॉप बंद करनी पड़ेगी। ये वाला गेट बंद है, ये वाला बंद करना होगा, और मेन गेट में वो जो सिर्फ शीशा लगा हुआ है उसको बंद करके मैं चली जाऊँगी लॉक करके, खाना खा के फिर आऊँगी। तो फिर रात में तो फिर भैया लोग अपना शटर वटर बंद करके बंद करते हैं, और इतना ही सा है हमारा ऑफिस, बट बहुत काम रहता है। मैं फिर मिलती हूँ आपको घर पे, जाके दिखाऊंगी मैं और भी चीज़ें क्योंकि मेरे को भूख लग रही है। लिटरली 4:07 हो रहा है और मैं थक भी गई हूँ, इतना सारा काम था कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं थोड़ा बहुत वीडियो बना पाई हूँ। बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग। मैंने हेडफोन लगा लिया, मैंने सोचा अपना पानी का बॉटल वॉटल रख लूँ, फिर मैंने सोचा फिर लगेगा ही क्योंकि मैंने उसमें से कुछ भी नहीं पिया है। वापस अभी आऊँगी तो फिर लगता ही है अपन को पानी तो लगता ही है। बत्ती बंद कर दी, मैं चाबी तो ली ही नहीं, चाबी ले करके बंद करके जाना होगा, उधर का बंद ही है। दिखाते हैं मेरा दुकान कैसा दिखता है बाहर से, मेरा तो है नहीं, परवेज भैया का दुकान। CCTV भी चालू है, ये वाला सिस्टम चालू है, खुद ही स्लीप मोड में चला जाएगा, ऐसा दिख रहा है अभी। ये इसको बंद करेंगे हम लोग, इसमें सारी चाबी रहती है, शटर वटर सबकी। लो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ बंद करने को, बंद नहीं हो रहा एक हाथ से, मैं रोक के बंद करके मिलती हूँ। अभी फाइनली बंद कर दिया, चेक, हाँ बंद है, बंद है, चलते हैं। हम लोग अभी गली भी एंटर कर चुके हैं, चाबी मेरे पास है हमेशा की तरह। मेरे को जल्दी से खाना होगा, जल्दी से जाना होगा, मैं आ गई हूँ घर। मेरे पड़ोसियों के घर पे गेस्ट आए हुए हैं, हमारे घर पे कोई नहीं आया हुआ। मम्मी अस्सलाम वालेकुम, बंद करके आ गई, इसको टांग देते हैं यहाँ पे। मम्मी देख रही है, कुछ कुछ होता है। अभी हम आ गए हैं घर और फिर खाना खाएंगे। अभी 4:30 होने वाला है, 4:30 से ज़्यादा ही होने वाला है। आधा घंटा है मेरे पास जिसमें मेरे को खाना खाना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है और वापस भी जाना है। और जैसे कि आपने देखा कि बंद करके आई हूँ मैं शॉप, तो फिर जाके मेरे को खोलना पड़ेगा। वो शीशा वाला डोरी बस बंद करती हूँ, बाकी शटर वटर तो भैया लोग ही बंद करते हैं, उतना बंद करने का ज़रूरत भी नहीं है अभी दिन में। और अभी मैं खाना खाऊंगी फिर जाऊंगी वापस, फिर जो बाकी पेंडिंग वर्क है वो सब करूंगी। लेकिन अगर आप लोग को आगे चल के देखना है मेरा और भी ब्लॉग ऑफिस रिलेटेड, या फिर मेरे कलीग्स वगैरह से मिलना है जो बहुत बड़े हैं मेरे से एज में, एक परवेज भैया है वो वुड बी 35 और 36 और शायद फ्रेंड्स वाला कोई जोन नहीं है। तो यहाँ पे तो अभी मैं एंड कर दूंगी ये वाला व्लॉग, लेकिन हम लोग आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सपोर्ट सबीना का जहाँ, एंड सपोर्ट आवर चैनल, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय एवरीवन। सब अपना ध्यान रखें और ज़रूर से कमेंट करें कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स पे देखना पसंद है वीडियो, और कौन से टॉपिक पे हमें बनाना चाहिए वीडियो, और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। बाय।